बीजेपी के नेता जगदीश मुखी से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने, उनका क्या कहना है सुनिए। हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व वित्त मंत्री जगदीश मुखी जी। आज दिल्ली का बजट लोकसभा में रखा गया, अरुण जेटली ने रखा, लेकिन उनसे बात करते हैं। मुखी जी, ये जो बजट है, ये सरकार, नई सरकार बनाने वाला बजट है या चुनाव में जाने वाला बजट है? ये हमारी पार्टी की सोच को दर्शाता है कि हमारी पार्टी जहां भी रहेगी और दिल्ली में रहेगी तो आम आदमी, गरीब आदमी का हित ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है, यही मैं कह सकता हूं। जब एक गरीब आदमी को एक यूनिट के अंदर 1.20 रुपया से लेकर के 1.40 रुपये राहत मिल रही है, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच गरीबों की, हितों की रक्षा करना दिल्ली के अंदर है, ये इस बजट के अंदर साबित होता है। उसी तरफ खींचता हूँ, जो सब्सिडी आपने आज अनाउंस की है, जो बजट में अनाउंस की गई है, उस सब्सिडी में 1.20 रुपया और 80 पैसा दो टैरिफ रखे गए हैं, लेकिन यही सब्सिडी शीला दीक्षित की सरकार भी देती थी। आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 30% और कम किया जाएगा, वो नहीं हो रहा है। ये जब आपने मैनिफेस्टो जारी किया था तब शीला दीक्षित की सरकार थी और उस समय भी 1 से 200 यूनिट तक 1.20 रुपया और 200 से 400 यूनिट तक 80 पैसा सब्सिडी मिलती थी। आपने फिर से वही अनाउंस की है, नया क्या है? मैं ये कह रहा हूं आपसे, नया सबसे नई चीज तो ये है, केजरीवाल साहब ने जो सब्सिडी दी थी वो खत्म हो गई। एक मिनट, शीला दीक्षित जो सब्सिडी दी थी वो बजट के अंदर प्रोविजन नहीं था, लेकिन आम आदमी को सब्सिडी मिली ना। निवेदन सुने ना, आम आदमी को अच्छी तरह से समझता है, समझदार है दिल्ली का। आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रोक करके सब्सिडी दी आपने, चलते हुए प्रोजेक्ट्स को रोक करके आपने सब्सिडी दी, हु विल अप्रिशिएट इट? हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और केंद्र सरकार से एडिशनल बजट 250 करोड़ रुपए के लिए दिया है, जो आपने पहले से आपने देखा होगा। यू मस्ट अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि हमने किसी डेवलपमेंट वर्क को साल करके सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, एक चीज। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं 30%, अभी तो आपने ये देखा है कि ये प्रोविजन है, इसके अलावा जैसे उन्होंने किया है कोई हमें, और हम तो ये कह रहे थे कि टोटल बजट आपका 30% कम करके देंगे, टैरिफ की बात नहीं है। आपने देखा होगा 8.25% वृद्धि के बावजूद हमारे एक एग्जर्ट करने के कारण 8.25% राइज ना होकर के उल्टा आपका बिल कम हो गया है। मानता हूं आपकी बात ठीक है, लेकिन जो टैरिफ है, जो सब्सिडी टैरिफ है, वो तो वही है शीला दीक्षित सरकार वाला, इसमें नया क्या है? ट्विस्ट कर रहे हैं। नया ये है कि यदि हम ना करते तो आज आपका बिल जो है कम से कम आपका ये जो यूनिट है 1.5 रुपए यूनिट और बढ़ गया होता। 1.5 रुपए यूनिट बढ़ा नहीं है, 1.20 रुपए यूनिट कम हो गया है, ये 30% नहीं बैठता, उससे ज्यादा बैठता है। इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो और ज्यादा सब्सिडी आगे दी जाएगी। क्वाइट पॉसिबल, मैं इस समय नहीं कह सकता, आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट एट द मोमेंट, ठीक है, किंतु ये होगा डेफिनेटली कि हमारी सोच जो है इस बजट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। हम सत्ता में रहेंगे तो हमारी सोच यही रहेगी, गरीब आदमी को जहां सबसे ज्यादा राहत दी जा सके देंगे। बहुत धन्यवाद जगदीश मुखी, सीधे सीधे जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन जो सब्सिडी अनाउंस की गई है वो वही है जो शीला दीक्षित सरकार के समय थी, लेकिन चूंकि इस समय कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को, और यही वजह है कि बीजेपी ये कह रही है कि 30% से ज़्यादा बिजली के दामों पर सब्सिडी जनता को दी गई है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।